Thank you. हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज का ये मेकअप लुक इंडियन फेस्टिवल स्पेशल मेकअप लुक होने वाला है सो आई होप आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आएगा और बहुत ही इजी तरीके से हम ये मेकअप लुक क्रिएट कर लेंगे सो so आप चाहें तो वीडियो देखते हुए मेरे साथ रेडी हो सकते हैं रिसेंटली uh, ईद आने वाली है सो so आप ईद के लिए रेडी हो सकते हैं सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक like और शेयर जरूर कर देना मैं इसी तरह के मेकअप लुक्स और आप लोगों के लिए लाती रहूंगी सो so चलिए ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तो so सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉइस्चराइजर से तो आई एम यूजिंग पॉन्स लाइट मॉइस्चराइजर समर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है मेकअप uh, बेस के लिए भी विंटर्स में तो ये मॉइस्चराइजर अच्छा है ही बट मेकअप बेस के लिए थोड़ा सा ड्राई हो जाता है और मैंने थोड़ा ज़्यादा अप्लाई किया है क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा बेईमान है सो स्किन थोड़ी ड्राई ड्राई लग रही है इसलिए तो अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है मेरा मॉइस्चराइजर मैंने काफ़ी देर तक मसाज किया उसके बाद सो मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर के लिए मैंने मेरा शुगर का स्टिक लिया है एंड इसे मैं हल्के हाथों से अपने पूरे फेस पे रब कर रही हूँ तो फेस फॉरवर्ड प्राइमर स्टिक है ये सारे प्रोडक्ट्स के कंप्लीट नेम एंड शेड नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा पूरे फेस पे मैं अच्छे से इसे रन करने के बाद अपने हाथों से एक बार और फाइनल फिनिश के लिए ब्लेंड कर रही हूँ और उसके बाद हल्के हल्के से प्रेस करूँगी ताकि जहाँ पे ओपन पोर्स ज़्यादा बड़े हैं वहाँ पे ये अच्छे से, से सेट हो जाए और स्किन और फाउंडेशन के बीच एक अच्छा सा लेयर क्रिएट हो जाए सो so, अब हम फाउंडेशन के लिए ले रहे हैं मैट रियल फाउंडेशन आर फॉर कॉम्बिनेशन स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है एंड ये जो है एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है इसलिए आपको एक मूस फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा सूट करेगा अगर आपकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन है तो तो ढेर सारे डॉट्स बनाने के बाद मैं ब्यूटी स्पंज की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ फिंगर से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है बट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज चाहिए तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई किया है इसलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ ब्लेंड करने के लिए अगर लाइट क्वांटिटी में मैं अप्लाई करती हूँ तो मैं मूज फाउंडेशन या बीबी -बी क्रीम हमेशा अपने फिंगर से ही ब्लेंड करती हूँ देन मैंने ये ऑरेंज लिपस्टिक लिया है ऑरेंज मैट लिपस्टिक है ये फ्रॉम स्टेक वर्क की और इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने करेक्टर्स की तरह डार्क सर्कल्स पे अगर आपके डार्क सर्कल्स ज्यादा डार्क नहीं है हल्के हल्के से हैं तो आप करेक्टर स्किप भी कर सकते हैं सिर्फ कंसीलर से आपके सर्कल जो है अच्छे से कवर हो जाएंगे बट मेरे थोड़े से ज्यादा हैं और सिर्फ कंसीलर से वो ऐश ही दिखने लगते हैं इसलिए मुझे करेक्टर अप्लाई करना पड़ता है और ये जो लिपस्टिक है ये मेरे लिप्स पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है इसलिए मैंने इसे एज अ करेक्टर अपने मेकअप किट में ऐड कर लिया है मैट है इसलिए करेक्टर की तरह मैं इसे कभी भी यूज कर सकती हूँ सबने फिंगर से ही हल्के हल्के से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ एंड देन उसके ऊपर मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी अगर मैंने डीप करेक्टर अप्लाई किया होता तो मुझे उसे भी सेट करना होता पाउडर से बट हल्का सा अप्लाई किया है इसलिए मैं डायरेक्टली कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ शुगर का कंसीलर है ये और ये जो है ऑलमोस्ट फुल कवरेज कंसीलर है बट ईज़ीली ब्लेंड हो जाता है आप फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं दोनों से बहुत आसान है सो so, मैं सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ इसे ब्लेंड करने के लिए एंड आप देखिए मैंने कोई स्पीड एडिटिंग नहीं की है बिल्कुल आसानी से ये ब्लेंड हो गया है कई वीडियोज़ में मैंने इसे फिंगर्स से भी ब्लेंड किया है तो जब ये ब्लेंड हो जाएगा उसके बाद मैंने इसे हाइलाइटर की तरह भी अप्लाई किया जहाँ पे मुझे हाईलाइट करना है जस्ट लाइक माय नोज क्यूपिड बो एंड लिप्स के जो कॉर्नर है वहाँ पे भी हल्की सी डार्कनेस होती है सो तो, लिपस्टिक लगाने के बाद वो थोड़ा सा अजीब दिखता है इसलिए वहाँ पर हमने कंसीलर लगा लिया है देन मैं इसे पाउडर से सेट कर रही हूँ सो नॉर्मल व्हाइट टोन का लूज पाउडर लिया है मैंने और उसे ही मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने कंसीलर्स को सेट करने के लिए तो ब्यूटी ब्लेंडर ही है सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर उसकी हेल्प से मैं जो कंसीलर लगाया था वो पहले सेट कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए क्रीज ना करे और एक्सेस ऑयल को कंट्रोल कर ले देन पूरे फेस पे मैं नॉर्मल पाउडर ब्रश की हेल्प से हल्के हल्के से अप्लाई करूँगी अगर आपकी स्किन ड्राई है तब भी आपको पाउडर से सेट करना पड़ता है देन आईब्रोज पे मैं कोई भी चीज अप्लाई नहीं कर रही हूँ डायरेक्टली सिर्फ कॉम कर लिया है मैंने स्पूली ब्रश की हेल्प से और उसके बाद मैं आई शेडो के लिए ये लिपस्टिक ले रही हूँ जो कि एक बहुत ही प्यारा सा पिंक शेड है डीप पिंक शेड है सो मैट शेड है ये भी डार्लिंग इज़ाबेला का लिक्विड लिपस्टिक है जो मैंने पर्पल डॉट कॉम से लिया था एंड आप देख सकते हैं मैंने फिंगर की हेल्प से अपने आईलिड पे इसे ब्लेंड कर लिया है एंड बहुत ही प्यारा सा शेड है सो तो मैंने एटलीस्ट दो बार इसे अप्लाई किया है तो जाके ये इतना डीप शेड आया है एंड देन क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं क्रीज लाइन पे हल्का सा उसे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि क्रीज जो है हल्की सी ब्लेंडेड दिखाई दे बहुत ज़्यादा शार्पनेस ना नजर आए इसलिए काजल के लिए पेंसिल लिया है, आई पेंसिल फ्रॉम माय ग्लैम इसका शॉर्ट रिव्यू मैंने माय ग्लैम मेकअप लुक में शेयर किया था सो बहुत ही अच्छा ये आई पेंसिल है वन स्ट्रोक में काफी अच्छा मिल जाता है आपको आ, कलर एंड लॉन्ग लास्टिंग है वाटर रेजिस्टेंट है एंड काफ़ी प्यारा सा कलर है ये सो so, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ये मेरे ड्रेस के साथ थोड़ा बहुत मैच भी कर रहा है इसलिए मैंने इसे लिया है एंड लोअर वाटर लाइन पे भी मैं अप्लाई कर रही हूँ सो so, एक हाथ में मिरर लेके कंप्लीट मेकअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए बहुत बार मुझे रब करना पड़ रहा है वाटर लाइन पे सो so, ये एक ही स्ट्रोक में आपको दे देता है कलर बट मेरे एक हाथ में मिरर है एक हाथ से अप्लाई कर रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है देन एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं इसे स्मज कर रही हूँ एंड स्मज करने के बाद ये हल्का सा थोड़ा मोटा लेयर दिखाई देगा आपको काजल का कैमरा उतना कैच नहीं कर पा रहा बट बहुत प्रिटी दिखाई देता है देन मस्कारा के लिए मैंने लिया है मेब्ली इन दलॉसल मस्कारा और मैं मुझे अपर एंड लोअर दोनों लैशेस पे अप्लाई कर रही हूँ देन ये शुगर का फेस पैलेट मैंने लिया है एंड आई एम फ्रिक्वेंटली यूजिंग दिस फ्राम टू मंथ सो तीनों चीजें मैं इसकी यूज करने वाली मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ घर से बाहर होती हूँ तो मैं यही पैलेट अपने मेकअप किट में रखती हूँ इसलिए अभी आप कंटिन्यूसली मेरा जो बैकग्राउंड है वो सेम बैकग्राउंड देखेंगे एंड मेरे हर मेकअप में आप यही फेस पैलेट नोटिस करेंगे सो so, लॉकडाउन है सो आई कॉन्ट डू एनी थिंग देन कंट्रोल मैंने अप्लाई कर लिया है पूरे चीक्स पे एंड नोज पे देन मैं यूज कर रही हूँ ब्लश तो ब्लश के लिए मैंने सिमिलरली पाउडर ब्रश ही लिया है एंड उसे मैं प्रेस कर रही हूँ अपने चीक्स पे ब्लश का शेड मेरी स्किन टोन से बिल्कुल ही मैच करता है बहुत ही अच्छा सा नेचुरल सा ब्लश मिल जाता है इसलिए ये पैलेट मुझे बहुत पसंद है एंड सेम हाइलाइटर भी मैंने लिया है हाइलाइटर भी आ, अगर आप नाइट टाइम के लिए ले रहे हो तो आपको दूसरा लेना पड़ेगा डे टाइम के लिए परफेक्ट हाइलाइटर है एंड and... काफ़ी अच्छा सा नाइस सटल हाईलाइट आपको मिल जाता है सो so, लिप्स के ऊपर भी हाईलाइट कर लीजिए इससे लिपस्टिक का लुक बहुत अच्छा आता है सेम लिपस्टिक जो मैंने पे यूज़ किए थे वही मैं अपने लिप्स पे यूज़ कर रही हूँ सेटल होने के बाद ये मैट फिनिश देता है कम्पलीटली सो इट इज़ अ काइंड ऑफ पिंक शेड डीप पिंक शेड जो कि मीडियम स्किन टोन पे काफ़ी अच्छा लगेगा आप देख सकते हैं so, सो ये है मेरा फाइनल लुक एंड आई होप आप लोगों को ये लुक पसंद आया होगा सो so, प्लीज़ 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 वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर हिट करना और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना एंड हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ़ यू एंड एंजॉय योर फेस्टिवल बट स्टे सेफ एंड स्टे होम गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच गाइस